हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ आया हूँ, जिसमें मैं आपको एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स, आपका BA Part 1 जो बच्चे कर रहे हैं उनका जो पेपर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड होगा, फर्स्ट तो पोइट्री होता है, सेकंड पेपर जो होगा प्रोस का, उसमें एक चैप्टर है आपका एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स। तो आज मैं उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी, एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो एक्सप्लेनेशन को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ये बुक में ढूंढ लेना, इफ यू डैश आइडलनेस, तो ये बुक में ढूंढ लेना आप आइडलनेस, ठीक है? ले ठीक है ना। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, दिस पैसेज टेकन फ्रॉम द एसे एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स, एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स से लिया गया है ये पैसेज जो है। कोई और भी एक्सप्लेनेशन अगर इस लेसन में से आती है तो भी आपको यही लिखनी है, विच इज रिटन बाई आर्ल स्टीवेंसन, जो आर्ल स्टीवेंसन ने लिखी है। हेयर, यहाँ पर द एसेस्ट हैज डेस्क्राइब, निमंत्रकार ने डेस्क्राइब किया है, वर्णन किया है अबाउट द इंटेंशनल हैबिट ऑफ द आइडलर्स। इंटेंशनल मतलब होता है बच्चों, जान पूछ कर की गई या इच्छा अनुसार, जो अपने आप स्वयं मतलब खुद से की गई होती है, जो आदत है ना, उसको यहाँ डेस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, दे हैव इनफ टाइम टू गॉसिप, जो आलसी लोग होते हैं उनके पास बहुत समय होता है गप्पे मारने के लिए। वे दिन भर कुछ नहीं करते, बस वे सोचते हैं कि हमें कोई मिल जा और हम उसके साथ गप्पे मारें, मतलब ऐसी कभी किधर की बात, मतलब कोई उनकी इंपोर्टेंट हो या ना हो, वो उन्हें करनी है बस बात, ठीक है? उनकी बातों से दूसरा डिस्टर्ब भी होता है, उनसे ये इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीच होते हैं। मैं आपको कई बार कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीच हैं जो हर किसी का टाइम खराब करते हैं। कोई भी आ जाए उनके पास, बस उनसे बात करनी है, ठीक है? उनका टाइम खराब करना है, इधर उधर की बातें, फालतू तो बातें करके टाइम खराब करते हैं। वे आलसी आदमी होते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने जीवन में, और ना वे कुछ कर सकते हैं। आलसी लोगों की पहचान मैं बताता हूं आपको, एक तो वे दिन भर घर में ही रहना पसंद करते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते, ठीक है? बस उनके पास जो भी आ जाए उसका वे टाइम खराब कर देते हैं, पूरी बिल्कुल खत्म कर देते हैं उसका टाइम, वो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट? ये आलसी लोगों की पहचान है। आलसी लोग हमारे समाज में बहुत हैं, हमारे घर में भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो दिन भर बकवास करते रहते हैं, बिल्कुल बकवास का मतलब अपने आप बोलते रहते हैं, दे आर मैड, बिल्कुल पागल होते हैं वे, ठीक है स्टूडेंट? आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया है आपको, कुछ भी व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जरूर जो अपने आपसे बात करते होंगे, ठीक है, जो दूसरे का टाइम खराब करते होंगे, आप उनसे बचना चाहते हो लेकिन वो आपको बचने नहीं देते, ऐसे व्यक्तियों से आपको बच के रहना है, ठीक है? एक बार तो फंस गए, कोई बात नहीं, दोबारा मत फंसना ऐसे से, ठीक है स्टूडेंट? आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरे हाँ, इसमें एक लाइन रह गई है। हाँ, ये देर उनके पास गप्पे मारना बहुत टाइम होता है, एज दे हैव नो वरी अबाउट देयर रिजल्ट, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं होती है कि उनके भविष्य में क्या होगा, बस वे प्रेजेंट में जीते हैं, आगे की नहीं सोचते। मान लो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो एक ही बिजनेस पे रहते हैं, उनका वो बिजनेस ठप हो रहा कैसा हो रहा उस पर कोई ध्यान नहीं देते, बस वे सोचते हैं कि एक ना एक दिन ये चल जाएगा, बस वे इसी आस में रहते हैं और बिजनेस एक दिन ठप हो जाता है पूरा बढ़िया करके। तो वे कहने का मतलब ये है कि वे जो अपनी यूजलेस बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनसे क्या रिजल्ट होगा, उनका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द एसेस्ट, नियमकार के अनुसार, ए पर्सन, एक व्यक्ति हुज लाइफ, जिसका जीवन इज थ्रोली इंगेज इन डूइंग मेटलिस्टिक डीड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिकवादी कार्यों में लगा होता है, मतलब किसी ना किसी कार्य में लगा होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी ना किसी कार्य में लगा होता है। तो ही हैज नॉट वैकेंट टाइम टू थिंक आइडल टॉकिंग, तो उसके पास कोई भी ऐसा खाली समय, वैकेंट का मतलब होता है बच्चों खाली समय नहीं होता है, तो थिंक आइडल, आलसी बातें करने का समय नहीं होता है। मतलब आप ये मानो कि आप जो ना किसी कार्य में लगे हुए हो,
तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा फालतू बात करने का। जो आदमी खाली रहता है दिन भर घर में खाली रहता है ना, वही ऐसी बातों पर सोचता है कि कोई तरह तरह की बातें सोचता है। जो आदमी खाली रहता है घर में वही, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों, जो आदमी खाली रहता है ना घर में वही इन बातों पे ध्यान देता है। आप किसी कार्य में लगे हो चाहे वो अच्छा है या बुरा हो, तो आपके पास फालतू बातें करने का टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा ना, ही हैज नो वैकेंट टाइम टू थिंक आइडल टॉकिंग। उनके पास कोई आलसी बातें करने का समय नहीं होता, मतलब उन पर फालतू बातें करने का समय नहीं होता, यहाँ ये मतलब है, ठीक है। आगे, इट इज हाईली इमेजिनेशन, ये बहुत उच्च स्तर की कल्पना है। हाउ, कैसे द आइडलर्स पास देयर टाइम इन द रस्टिक आर्ग्यूमेंट। कैसे जो आलसी होते हैं अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं, पास कर देते हैं अपना टाइम किसमें, रस्टिक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब तथ्यों में, ठीक है। रस्टिक मतलब बुरे तरीकों, बुरे, ये आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट, ARGUMENTS, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कहने का मतलब जो आलसी लोग होते हैं वे सही बात भी करते हैं गलत बात भी करते हैं, तो उसमें अपना टाइम कैसे, इसका मतलब ये होता है कैसे बिता देते हैं यार वे समय, ठीक है ना। हमसे तो बिताया नहीं जाता, ये कैसे बिता देते हैं, यहाँ ये मतलब है, तभी तो हाउ आया है, ठीक है। आगे, द डेवोशन टू डू वर्क इज हाईली कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब चिंतित होती है, ये जो लगन है टू डू करने की किसी काम को, इज हाईली कंसर्न्ड, बहुत ही चिंतित वाला विषय है ये। कहने का मतलब ये जो आलसी जो विषय, आलसी जो लोग हैं इनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हमें इससे बचना चाहिए, आलसी से बिल्कुल बचना चाहिए, आलसी लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा बिल्कुल जो बात हो वही करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे की फालतू बातों पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा काम करते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये आप समझ लेना। बट इट, ये यहाँ इट है स्टूडेंट, आई कर लेना इसे, IT, इट इज नॉट डेस्क्रिप्टिव, ये वर्णनात्मक नहीं है, बट सिस्टमेटिकल, एक सिस्टमेटिकल है। इसका मतलब ये है कि हम कोई आपको भाषण नहीं दे रहे, हम आपको लाइफ दिखा रहे हैं, जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं आपको, कि हमें ऐसा नहीं है कि बस हमेशा डेस्क्रिप्ट करते रहे, अपनी बातों को बताते ही रहे, ठीक है। ये जो आलसी होते हैं इनमें दूसरी की कमी निकालने का, इन पर कमी पर बहुत ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति कोई भी कुछ भी करे उसकी कमी पे देखते हैं, अपनी कमी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते ये, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ ये दुनिया जो है सोसाइटी के नाम पे बिल्कुल कलंक है, ये आलसी आदमी जो दिन भर कुछ नहीं करते हैं और फालतू बातों पर बोलते रहते हैं। आगे, अलोंग विद इट, इसी के साथ साथ, ही सेज दैट, वो कहता है, आइडल जो आलसी होते हैं क्रिएट्स, उत्पन्न करते हैं ए गुड सेंस, अच्छा, इन द प्रॉपर सराउंडिंग। पुअर सराउंडिंग, पुअर सराउंडिंग में क्या मतलब होता है, पुअर सराउंडिंग में बहुत अच्छा क्रिएटनेस करते हैं, गुड सेंस, अच्छी भावना दिखाते हैं। कैसे, आप समझ लो, आप कुछ आलसी बैठे हुए बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे बातें करते हैं, तो उनकी बातों को आदमी कहानी समझने लगते हैं, तो वे दूसरे का इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। आप वे कुछ बता रहे हैं तो दूसरा आदमी बड़े ध्यान से सुनेगा, क्यों सुनेगा, वो भी खाली होगा इसलिए सुनेगा, ठीक है। मतलब जो आलसी आदमियों की बात सुनने हैं ना, तो वे भी आलसी हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल ये दुनिया जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें आदमी खर्च करने में और कमाने में लगा हुआ है, उस पर किसी पर समय नहीं है, जिस पर समय है समझ लो वो खाली है, ठीक है, खाली है, आलसी है, ये मतलब है। तो जो आलसी होते हैं ना, तो गुड सेंस, अच्छी भावना दिखाते हैं, पुअर सराउंडिंग, तभी तो इसमें लिखा हुआ पुअर सराउंडिंग, मतलब पुअर सराउंडिंग ऐसा है जो वैसा सराउंडिंग जिसमें उन जैसे ही लोग रहते हैं, आलसी जैसे, ठीक है स्टूडेंट। आगे, एंड दीज आर आइडलर्स, वे आलसी होते हैं, हु हैव ग्रेट मोमेंट, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्षण होते हैं या बहुत ज़्यादा समय होता है, वैन जब दे आर इन रफ टॉकिंग, रफ कंपनी, जब वे गंदी संगति में लगे रहते हैं ना, तो भद्दी बात भी करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, ये है, तो इनकी संगति भी बहुत खराब होती है। आगे देखते हैं, कमेंट्स देख लो एक बार, एट द अबव ऑफ द पैसेज, ये जो पैसेज था इसके आधार पर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि आइडलर्स जो आलसी होते हैं आर विक्टिम, पीड़ित रहते हैं बाय द हर्ड इंटॉक्सिकेशन, भीड़ का नशा, हर्ड मतलब भीड़ होती है, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा होता है, इसे अच्छे से समझ लो आप, मैंने यहाँ क्यों बताया ही। हर्ड इंटॉक्सिकेशन का यूज यहाँ पर इसलिए हुआ है कि मान लो कोई आलसी बैठे हुए बात कर रहे, दो तीन आलसी,
उनके पास दो तीन आलसी और आ गए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मान लो एक भीड़ जमघट लगा लिया, भीड़ ने उनकी बात सुनने को, तो उनकी बात दब जाएगी, तो वे भीड़ को पसंद नहीं करते हैं। वे ज्यादा ज्यादा 4 या 5 आदमी को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ हर्ड इंटॉक्सिकेशन आता है, मतलब भीड़ का नशा वे पसंद नहीं करते हैं। वे इससे पीड़ित रहते हैं क्योंकि जहां भीड़ होगी तो उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि उसमें कट करने का भी होगा, उनकी बात को काटेगा भी कोई ना कोई। ठीक है, तो कहने का मतलब उनकी बात को अगर कोई काट देता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, जो आलसी होते हैं। मुझे बहुत नफरत है आलसी आदमी से, जो दिन भर कुछ नहीं करते हैं ना स्टूडेंट, एक बार सुन लो, जो दिन भर कुछ नहीं करते हैं और फालतू किसी का टाइम खराब करते हैं, मैं तो कहता हूं वो इस धरती पर बोझ के समान है। दे आर बोल्ट इन द नेम ऑफ सोसाइटी, समाज के नाम पर कलंक है वे एकदम। ठीक है, जो आलसी होते हैं, कुछ नहीं करते, दिन भर फालतू बोलते रहते हैं, देर इज नो वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये लिखा हुआ ना स्टूडेंट, देर इज नो वैल्यू ऑफ एन आइडल पर्सन, एक आलसी आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती है इन द कंपनी ऑफ बिजी पीपल। जो बिजी पीपल होता है ना, उसके पास उसकी कंपनी में आलसी आदमियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी।